नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं विभिन्न रोगों के बारे में और उसके होम्योपैथिक दवा के बारे में दो भाषा में, हिंदी और बंगाली में वीडियो अपलोड करता हूं। अब तक जितने सारे वीडियो मैं हिंदी में बनाया हूँ, उन सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं जो मेरे हर हिंदी वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूँ, बंगाली मेरा मातृभाषा है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी बोलने समय अगर कोई भाषागत त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं चिकित्सा के पर बनाया हुआ हर एक बंगाली वीडियो हिंदी में इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे बंगाली भाई बंधु के साथ साथ मेरे पूरे भारतवासी भाई बंधु उसका लाभ उठा सके। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज यानी कोष्ठबद्धता। दोस्तों, हम हर दिन जो खाना खाते हैं उसके सारांश खून में रूपांतरित हो जाते हैं और असारांश मल में रूपांतरित होकर निर्गत होता है। यही स्वाभाविक नियम है। अगर ऐसा ना होकर मल इंटेस्टाइन में अटका हुआ रहता है, हर दिन निर्गत नहीं होता है, और अगर निर्गत होता भी है तो बहुत कष्ट से, बहुत कोशिश के बाद, बहुत ही कम परिमाण, तो ऐसे स्थिति को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हफ्ते में 3 बार से कम मल त्यागने को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कहा जाता है। दोस्तों, अब कहते हैं कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हैं। हर दिन अधिकता में ग्रुपा खाना खाने से या फिर जिन खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा कम रहता है यानी कि सूखा खाना जैसे कि रोटी खाने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। हर दिन गरम मसालादार खाना मतलब के मांस खाने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जिन लोगों का रात्रिचार की आदत है, चाय, कॉफी, विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य जिन लोगों का बहुत ज्यादा सेवन करने की आदत है, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, जो लोग स्टूल आर्जिंग मतलब के मल की आग्रह आने से भी मल नहीं त्यागते हैं, मल के प्रेशर को दबाते हैं, उन लोगों के ऐसे खराब अभ्यास के कारण भविष्य में उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। दोस्तों, जो लोग कोई भी शारीरिक काम नहीं करते हैं, घर में बैठे बैठे जिन लोगों का दिन गुजरता है, उन लोगों को भी भविष्य में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। अगला कारण में आते हैं दोस्तों, मल त्यागने में सहायताकारी पेल्विक मांसपेशी में अगर कोई समस्याएं आ जाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। जैसे कि अगर पेल्विक मसल वीक हो जाए या फिर पेल्विक मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, कोलोन या रेक्टम के आसपास कुछ नर्व रहता है, उन नर्व में अगर कोई समस्याएं आ जाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, अगर किसी को पार्किंसन डिजीज है, अथवा किसी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ है, या फिर किसी को स्ट्रोक हुआ है, ऐसे स्थिति में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। बहुत दिन से दस्त में भुगतने के बाद अथवा दस्त के कारण कुछ प्रचलित दवाएं जैसे कि जुलाब अभ्यास के तौर पर लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। अब आते हैं अगला और अंतिम कारण पर। दोस्तों, हार्मोन हमारे शरीर में तरल पदार्थ की बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। अब कुछ डिजीज के कारण, कुछ कंडीशन के कारण अगर उन हार्मोन की बैलेंस बिगड़ जाए तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे कि डायबिटीज के क्षेत्र में या फिर माताओं की गर्भावस्था में हार्मोन के बैलेंस बिगड़ने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, ये था कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के कुछ महत्वपूर्ण कारण। अब बताते हैं दोस्तों कब्ज के कुछ प्रभावी होम्योपैथिक दवा जिसको लेने से अगले दिन से ही आपको कब्ज से आराम मिलेगा और कुछ महीना लेते रहने से आपका कब्ज का परेशानी संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और इस विषय में चर्चा करते हुए मैं
चार होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहला दवा एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है और बाकी तीन दवा तीन होम्योपैथिक पोटेंसी है। तो आइए पहले उस पेटेंट होम्योपैथिक दवा के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक होम्योपैथिक टैबलेट है, एक होम्योपैथिक कंपनी लॉर्ड्स का योलो टैब। दोस्तों आप देख सकते हो इस टैबलेट को आपको लेना होगा रात को खाने के बाद सोने से पहले एक ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ चार टैबलेट, और उसके बाद अगले दिन सुबह मल त्यागने के समय आप तीन स्थितियों के सामना कर सकते हो और उन तीन स्थितियों के ऊपर निर्भर करके आपका योलो टैब का अगला डोज निर्धारित होगा। तो आइए उन तीन स्थितियों के बारे में बताते हैं। पहले स्थिति में आप ऐसा देख सकते हो कि आपको जितना मल त्यागना था उतना मल आप त्याग कर पाए, मतलब कि अच्छे से पेट साफ हो गया है। दोस्तों ऐसे स्थिति में आपको उस रात से हर रात सोते वक्त एक ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ योलो टैब के दो टैबलेट लेते रहना है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी स्थिति पर। अगर आप ऐसा देखें कि आपको जितना मल त्यागना था उतना मल आप त्याग नहीं कर पाए, मतलब कि अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, तो उस दिन रात भी आपको योलो टैब के चार टैबलेट एक ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना होगा। तो अगले दिन सुबह आपको अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद से हर रात आपको योलो टैब के दो टैबलेट एक ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ लेते रहना होगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा स्थिति में। यह तीसरा स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, सबसे गौर करने वाला स्थिति है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लोगों को पहले दिन योलो टैब के चार टैबलेट लेने से अगले दिन सुबह मल त्यागने वक्त दस्त हो जाता है और इसलिए कुछ पेशेंट योलो टैब लेने से घबरा जाते हैं। इन स्थितियों में मैं कहना चाहूंगा आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और कोई भी एलोपैथिक दवा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऐसी स्थिति में दो दिन बिताना पड़ेगा। तो देखिएगा आपके दस्त के परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद से आपको हर रात सोते वक्त योलो टैब के एक टैबलेट एक ग्लास गुनगुने गर्म पानी के साथ लेते रहना होगा। अब आते हैं दोस्तों उन तीन होम्योपैथिक पोटेंसी के विषय में। दोस्तों इसमें मेरा पहला दवा है नग्स भूमिका। अगर आपको मल त्यागने वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, आपको जितना मल त्यागना था उतना मल आप त्याग नहीं कर पाए, पेट में कुछ मल बचा हुआ है और इसके कारण आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा नग्स भूमिका आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। नग्स भूमिका आपको 30 पोटेंसी में दिन में दो बार, दोपहर को सोने से पहले और रात को सोने से पहले आधे कप पानी में दो बूंद मिलाकर लेते रहना होगा। दोस्तों मेरा अगला दवा है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा के सबसे बड़ा जो मैटर है वो है उसका शुष्कता। हर म्यूकस मेम्ब्रेन की शुष्कता ही ब्रायोनिया के सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए सर्दी के जो लक्षण होता है उसमें भी ड्राइनेस रहता है, ब्रायोनिया के पेशेंट का स्किन ड्राई रहता है और ब्रायोनिया के पेशेंट का मल भी शुष्क रहता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ब्रायोनिया के पेशेंट का स्टूल आर्जिंग यानी मल की आग्रह ही नहीं आता है। और तीसरा जो सिम्टम है, ये सिम्टम सबसे गौर करने वाला सिम्टम है क्योंकि यही सिम्टम ब्रायोनिया को दूसरे होम्योपैथिक दवा से अलग करके पहचानने में मदद करता है। और वो तीसरा सिम्टम है, ब्रायोनिया के पेशेंट जब मल त्यागते हैं वो लंबाकार में निकलता है। दोस्तों ये सब सिम्टम अगर आपको रहे तो ब्रायोनिया आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। ब्रायोनिया आपको 200 पोटेंसी में सुबह रोजाना खाली पेट आधे कप पानी में दो बूंद मिला के लेते रहना होगा। अब आते हैं दोस्तों अगला और अंतिम दवा पे, और वो है प्लांबम मेटालिकम। दोस्तों प्लांबम मेट के कुछ सिम्टम ब्रायोनिया के सिम्टम के साथ समानता है। जो समानता है वो पहले कह लेते हैं। ब्रायोनिया में जैसे मल शुष्क होता है वैसे ही प्लांबम मेट का मल भी शुष्क होता है। ब्रायोनिया में जैसे मल
कठिन होता है, सख्त होता है, वैसे ही प्लांबा मेट के मल सख्त और कठिन होता है। लेकिन जहां ब्रैनिया के मल लंबाकार में निकलता है, वहां प्लांबा मेट के मल छोटी छोटी गोलियों की तरह या फिर बकरी की मल की तरह निकलता है। ब्रायनिया में जहां स्टूल आर्जिंग नहीं होता है, मल की आग्रह नहीं होता है, वहां प्लांबम मेट में मल की आग्रह रहता है। मगर मल त्यागने वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, गुदा में बहुत दर्द करता है। दोस्तों, अगर ये सब सिम्टम आपके कॉन्स्टिपेशन में रहे तो प्लांबम मेट आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त मेडिसिन है। इसके अलावा पैरालिसिस के कॉन्स्टिपेशन में या फिर माताओं की गर्भावस्था के समय कॉन्स्टिपेशन में प्लांबम मेट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, प्लांबम मेट आपको 200 पोटेंसी में रात को सोते वक्त आधे कप पानी में दो बूंद मिलाकर लेते रहना होगा। तो दोस्तों, यही था 3 होम्योपैथिक पोटेंसी। इन 3 दवाओं में जिस दवा के सिम्टम के साथ आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के सिम्टम ज्यादा से ज्यादा मैच करेगा, उस दवा को आपको रेकवेग, आरएस भार्गवा, हैपको, किंग, इन सब कंपनी का लेना होगा, क्योंकि इससे आपको अच्छे रिजल्ट आएगा। और उसके साथ आपको यूरोटैब लेते रहना है, तो इससे आपको अगले दिन ही कब्ज के परेशानी से आराम मिल जाएगा। और कुछ महीना ऐसे ही नियम में लेते रहने से आपका क्रॉनिक कब्ज के परेशानी संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर कोई और बीमारी के विषय में चर्चा करते हुए और उसके उपचार को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।